अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जिन्होंने ये क्वेश्चन लगाना है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है पी, जिसका जो कि सेल सरफेस प्रोटीन है, ऐसा करके कॉपी पे बनाते हुए चलिए, ये पी है, ये सेल सरफेस प्रोटीन है जो कि HVB हेपेटाइटिस वी के साथ बाइंड करती है और हेपेटाइटिस बी को अंदर लेकर जाती है, मतलब सेल के अंदर लेकर आती है। द सी टर्मिनल ऑफ पी इंटरेक्ट विद द एफ एक्टिन, ये सी टर्मिनल है तो एफ एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करता है और हेल्प करता है HBB पार्टिकल को एंटर करने के लिए, मतलब एन टर्मिनल हेपेटाइटिस बी के साथ इंटरेक्ट करता है और सी टर्मिनल एफ एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो अंदर आ सके, सेल के अंदर एंट्री कर सके। अब आगे का इसका अगला पार्ट क्या है, पी वॉज सक्सेसफुली क्लोन्ड कर लिया, ठीक है, वेयर इट्स एन टर्मिनल एक्सपोज टू द सर्फेस, ठीक बात है, वो मजबूरी है क्योंकि HBB उसी के साथ इंटरेक्ट करेगा, वाइल द सी टर्मिनल इन द साइटोसोल क्योंकि वो एफ एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सो एक्सप्रेस रिटेन कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक बात है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को रिटेन रखा। अब पूछ क्या रहा है कि अब ये पता करना है कि सी टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन इंटरेक्टिंग विद हेल्प्स इन HBB, मतलब अब हमें ये बात पता करनी, हमने तो एक हाइपोथेसिस तैयार कर ली कि हाँ सी टर्मिनल जो है वो एंट्री के साथ HBB ये जो वायरस है उसकी एंट्री को प्रमोट कर रहा है, अब हमें इस बात को प्रूव करना है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है कि अगर सी टर्मिनल नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है कि आप सी टर्मिनल को म्यूटेट कर दीजिए, एक प्रोटीन ऐसी बनाइए पी प्रोटीन ऐसी बनाइए जिसमें सी टर्मिनल म्यूटेट कर दीजिए, अगर एंट्री हो रही है तो आप मान के चलिए कि सी टर्मिनल का फंक्शन नहीं है, अगर एंट्री नहीं हो रही है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि सी टर्मिनल इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली सी टर्मिनल बट हो सकता है कुछ और भी प्रोटीन हो, लेकिन सी टर्मिनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ द वायरस, दैट इज हाउ द यूजिंग द पी एज वेल एज सी टर्मिनल म्यूटेंट इंडिविजुअल ओवर एक्सप्रेशन इन द हेटरोजाइगस कंप्लीटली डिवाइड ऑफ द इंडोजेनस पी प्रोटीन एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। सीधी सी बात है, अगर आप सी टर्मिनल अगर आपको पता करना है कि आपके किसी ऑर्गन का क्या फंक्शन है तो आप उस ऑर्गन को नॉकआउट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा उस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके देखिएगा।